इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। नमस्कार, लिव हिस्ट्री इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय चव्हाण। वडोदरा शहर में कदम रखते ही आपको नजर आएंगी यहाँ की राजसी वैभव की निशानियां। ये शहर निशानी है उस महान महाराजा की, जिसने न सिर्फ वडोदरा शहर पर बल्कि पूरे भारत के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ की। आइए देखें उनकी कहानी। जिस काल में देश के विभिन्न राजा और नवाब अपनी शान और अय्याशी के लिए जाने जाते थे, उस समय महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने आधुनिक भारत की कल्पना की। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर, दादा भाई नवरोजी, राजा रवि वर्मा, श्री औरबिंदो और कई ऐसे बड़े नायकों को बनाने में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का बड़ा योगदान रहा। सन 1911 के दिल्ली दरबार में अंग्रेजों के सामने अपना सर न झुकाने वाले वह एकमात्र राजा थे। बस इतना ही नहीं, लाइब्रेरी मूवमेंट, प्रौढ़ शिक्षा, एविएशन और बैंकिंग जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। पर आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 12 साल की उम्र तक वो नासिक के एक छोटे से गांव कावलाना में रहने वाले एक अशिक्षित युवक गोपालराव गायकवाड़ थे। सन 1875 में अंग्रेजों ने बड़ौदा रियासत के महाराजा मल्लराव गायकवाड़ को राजगद्दी से हटा दिया और फिर खोज शुरू हुई उनके उत्तराधिकारी की। गोपालराव गायकवाड़ की किस्मत ऐसे बदली जो उन्हें गांव से राजमहल तक ले गई। सयाजीराव गायकवाड़ के जीवन और कार्य के बारे में जानने के लिए हमने बात की हेरिटेज एक्टिविस्ट चंद्रशेखर पाटिल से, जो 3 दशक से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने हमें बताया सयाजीराव गायकवाड़ के महाराजा बनने की कहानी और आधुनिक भारत बनाने में उनका योगदान। नासिक के पास में कवलाना, मालेगांव के पास में कवलाना करके गांव है, तो वहाँ उनके फैमिली मिली और फिर तय हुआ कि भाई आपके बच्चों में से किसी को एक को ले गए। इस तरह से 3 बच्चे सिलेक्ट हुए। तो काशीराव गायकवाड़ जो थे उनके लड़के एज में थे, तो उनको 3 को नक्की किया गया कि भाई इनको बड़ौदा जाना है। और उनके काका साहब थे उखाजीराव गायकवाड़, तो वो खंडेराव गायकवाड़ के संपर्क में थे, तो वो चीज़ें मिली, इन्फॉर्मेशन्स मिली, तो डिसाइड किया कि भाई इनको ही लेके चलते। तो तीनों नासिक के जो कमिश्नर हम कहेंगे FH इलियट साहब, उनके साथ वो यहाँ बड़ौदा में आए। तो बड़ौदा में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे मणिभाई देसाई करके जो थे वो आए, उन्होंने उनको रिसीव किया और सरकारवाड़ा जो है वहाँ पे उनको रखा। वहाँ पे फिर दूसरे दिन जमुनाबाई साहब आए, दीवान आए, दरबार भरा हुआ था। तो उसमें फिर तीनों भाइयों को बुलाया गया, तीनों खड़े रहे, बोले आपका नाम क्या? तो बोले मेरा नाम आनंदराव गायकवाड़। फिर सबसे छोटे को पूछा, बोले आप का नाम? तो बोले मैं संपत राव गायकवाड़। तो जो बीच के थे गोपाल राव, उनको पूछा नहीं, फिर भी उन्होंने बोला हाँ मेरा नाम गोपाल राव गायकवाड़। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि चलो ये सामने से पूछ रहा है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आनंद राव आप क्यों आए यहाँ पे? तो बोले मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मैं इसलिए आया हूँ। फिर छोटे को पूछा गया, बोले आप क्यों आए? तो बोले ये 2 बार आए गए इसलिए मैं भी आया हूँ। तो तुरंत फिर इनको पूछा गया, बोले आप क्यों आए? तो बोले मैं तो राजा बनने के लिए आया। तो ये बात उनको बहुत ही, महारानी को और दीवान साहब जो थे उनको ये बात छू गई दिल को कि किसी को, किसी ने इसको बताया नहीं, लेकिन ये कैसे बोल रहा है कि मुझे राजा बनना है ऐसे। फिर उनके काफ़ी सारे टेस्ट हुए और उसमें उनका, वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन जो हाजिर जवाबी होता है कि क्वेश्चन किया तुरंत उसका आंसर देना और ये सब, तो ये चालाकी देख के तय हुआ। और दूसरा तय हुआ कि वो 12 साल के थे उसी टाइम में, महारानी जमुनाबाई साहब थे उनका उम्र करीबन 23-24 साल के आसपास का था, तो वो उम्र भी उसको मैच होना चाहिए बेटे के साथ। तो फिर तय हुआ कि भाई सयाजीराव मतलब गोपाल राव को लेंगे। 27 में
1875 को तय किया, राज्य एडॉप्ट किया और फिर तय किया कि भाई ये राजा बनेंगे, उनको ऑफिशियली गादी पे बिठाया गया और उसके बाद वो राजा बने। 20वीं सदी में भारत तेजी से बदल रहा था, नई टेक्नोलॉजी और नए विचार देश के कोने कोने में फैल रहे थे। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के निर्माण के बाद से ही स्वतंत्रता संग्राम के बड़े समर्थक रहे। दादाभाई नवरोजी, जो एक समय बड़ौदा रियासत के दीवान रह चुके थे, उन्हें लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स के इलेक्शन जितवाने में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का बड़ा योगदान रहा। यहां तक कि श्री अरबिंदो महाराजा के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुके थे। उनके विचार क्या थे भारत के प्रति, वो जानने के लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा और उसके एविडेंस भी है हमारे पास, मतलब सिर्फ बात कर रहे ऐसा नहीं है। तो दरबार भरा था अपना मुंबई में और उसी टाइम में प्रिंस ऑफ वेल्स आने वाले थे, तो उसके पहले दादाभाई नवरोजी सरगस लेके जा रहे थे कि भाई ब्रिटिश लोग वापस जाओ ऐसे करके, और उनके बगल में प्रिंस आगा खान बैठे थे और दूसरे भी डेलीगेट्स बैठे हुए। तो प्रिंस आगा खान ने उनको पूछा कि भाई आपको कैसा लगता है, ऐसे आपको क्या लगता है ये बोल रहे ब्रिटिश वापस जाओ ऐसे वैसे। तो उन्होंने बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था, वो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, कि मैं एक छोटे से राज का राजा रहने से अच्छा है मैं अखंड भारत का एक सामान्य नागरिक बन के रहूँ। उस टाइम में वो बोलने के बाद जो स्कॉटलैंड यार्ड है ब्रिटिश का, उन्होंने उनके ऊपर निगरानी करना शुरू कर दिया था। और उसी पीरियड से ये सब सुनने के बाद पेपर में भी आया था, तो लोकमान्य तिलक, न्यायमूर्ति रानाडे, ये सब लोग मिलना शुरू हो चुके थे उनको, और दादाभाई नवरोजी तो मिलते ही थे, और दादा उनको दादा ही कहते थे नवरोजी को, तो वो भी उनको बताते थे क्या करना चाहिए। वो पूछते थे भाई मैं मुझे भी नहीं रहना है, मैं भी फ्रीडम मूवमेंट करना चाहता। तो उन्होंने बोला था नहीं करने का, आपको आपको राजा ही रहने का और राजा रह के बैकडोर से आपको सबको सपोर्ट करना है। और देन उनको वो डार्क हॉर्स थे, राजा थे, पीछे की तरफ से सबको उनको सपोर्ट करते थे। 1911 के दिल्ली दरबार में खुले तौर पर उन्होंने अंग्रेज शासक किंग जॉर्ज द फिफ्थ के सामने झुकने से इनकार कर दिया। तब उन्हें गद्दी से हटाने की अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की, किसी तरह सयाजी राव ने अपनी गद्दी बचा ली और आजीवन स्वतंत्रता संग्राम को सहायता करते रहे। जैसे 1911 में जो हुआ, उसके पहले 1903 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ, उसमें सयाजी राव का जो बड़ा लड़का है फतेह सिंह राव, तो शामियाना उन्होंने इस तरह से बनाया लॉर्ड कर्जन ने, राजा नहीं आ पाए थे तो वो उन्होंने बनाया इस तरह का कि सब लोग झुक के जाए, तो वो अपना जो स्पोर्ट्स खेलने का जो शॉट होता है सीधा, फतेह सिंह राव ऐसे सीधा पकड़ के गए, उसको काट दिया, गर्दन झुकाया नहीं और वहाँ जाके फिर वापस आए। तो ये चीज़ उनको तब से ब्रिटिश लोग मतलब ये चाहते थे कि इनको कैसे फंसाया जाए, लेकिन वो हर बार सयाजी राव का खासियत ये अच्छा था कि वो डिप्लोमेट्स बहुत अच्छे थे, वो बात करना उनको किसके साथ कैसे बात करके कन्विंस कर देना है ये चीज़ उनको बहुत अच्छा आता था, तो उसकी वजह से हमेशा वो बच जाते थे। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का देश के क्रांतिकारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध थे। लंदन का इंडिया हाउस, जो भारतीय क्रांतिकारियों का एक केंद्र था, उसे भी सयाजीराव गायकवाड़ ने आर्थिक सहायता की। बस इतना ही नहीं, भारतीय क्रांतिकारी जैसे मैडम कामा और वीर सावरकर से मिले होने के कारण लंदन के स्कॉटलैंड यार्ड ने उनके पीछे जासूस लगा रखे थे। इंडिया हाउस जो है उसका फंडिंग किया था उन्होंने, और वो फंडिंग डायरेक्ट ना करके उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा को देते थे, जो गुजरात के ही थे, कच्छ के थे वो, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे उनको वो मिलते थे, हाइट पार्क में मिलते थे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे 5 बजे ऐसे मिलते थे, वॉक करते करते वो सब उनके साथ डिस्कशंस करते थे। और उनका वहाँ से भी ऐसे था कि जो भी भारत से सीखने के लिए आता है इंडिया हाउस में जो रहता है उनको भी स्कॉलरशिप देना, शिष्यवृत्ति देना, उसी उपलक्ष्य में सावरकर, कामा, ये सब लोग, और उसके बाद भी काफ़ी सारे लोग, जैसे अब गांधी जी का भी अब देखेंगे आप, तो गांधी जी को तो लेटर लिखा हुआ भी मिलता है, बहुत बार तो कैसे है कि लेटर्स नहीं मिलते क्योंकि ये सब सीक्रेट्स में होता था,
तो जब उन्होंने सोचा कि भाई मुझे दांडी मार्च लेके जाना है, तो बड़ौदा स्टेट में से ही होके जाना था दो तीन जगह पे ऐसे, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली लिखा कि आप बड़ौदा में से जाएंगे लेकिन आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप सीधा सीधा निकल जाएंगे, नहीं तो मुझे एक्शन करना पड़ेगा ऐसे। और मैं ऐसा लिखा, फिर दूसरा और एक लेटर लेटर के साथ एक पर्ची लिखा कि आप बड़ौदा में से पास होंगे तब आपका पूरा सिक्योरिटी हमारा होगा। तो उस टाइम में बंदूक ले जाने पे मनाही था, तो सयाजीराव के खास थे अपना प्रोफेसर मानिक राव, तो उनको एक 40 लोगों का टुकड़ी, जो काठी लकड़ी से जो करते, उनको स्पेशली भेजा गया था, और उन थ्रू आउट उन्होंने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। तो बड़ौदा में क्यों ऐसा मैं बोला कि भाई आप यहाँ पे सीधा सीधा चले जाइए, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने उनको दबाव दिया था सयाजीराव पे कि आप इनको पकड़ना है। तो फिर पकड़ा नहीं, तो उन्होंने पूछा कि भाई, स्पष्टीकरण बोला कि क्यों नहीं पकड़ा, उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो मैं कैसे पकड़ूँ। तो ऐसे करके वो शॉर्टकट भी निकालते थे। और जैसे प्रोफेसर मानिक राव जो है, मैं खास उसके बारे में बता, वहाँ बड़ौदा में उनका अखाड़ा है, जुम्मा दादा व्यायामशाला और प्रोफेसर मानवराव अखाड़ा। तो वहाँ पे जब ये जो तीन थे, भगत सिंह और दूसरे और दो उनके साथी, तो जब वहाँ पे उन्होंने वहाँ से भाग के आए, तो 1 महीना यहाँ पे रहे थे आर्य समाज में और बड़ौदा में। तो बड़ौदा कैसे था, एक प्राइवेट स्टेट था, तो ब्रिटिश लोगों को भी अगर कुछ कार्रवाई करनी है तो बड़ौदा स्टेट को पूछे बगैर वो अंदर आ भी नहीं सकते थे, एंटर भी नहीं कर सकते थे। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स को ये लोग सपोर्ट करते थे इस तरह से। जब तक वो आते थे पकड़ने के लिए इशू कारण ये लेके नोटिस, तब तक उसको भेज देते थे दूसरी जगह पे। तो इस तरह से भी वो सपोर्ट करते थे फ्रीडम मूवमेंट में। गरीब विद्यार्थियों के उच्च शिक्षण के लिए सयाजीराव गायकवाड़ ने स्कॉलरशिप का गठन किया। उनमें से एक विद्यार्थी थे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने डॉक्टर अंबेडकर को स्कॉलरशिप देकर विदेश पढ़ाई के लिए भेजा। डॉक्टर अंबेडकर आजीवन उनकी इस सहायता के लिए कृतज्ञ रहे। उन्होंने देखा कि भाई दलित लोगों को ये लोग ऐसा करते, तो उनके लिए अलग से उन्होंने कॉलोनीज बनवाई, मकान बना के दिए, उनके लिए बिजनेस बना के दिए, उनके लिए धर्मशालाएं खोली, ये सब बनाया उन्होंने। और 30 साल में करते करते उन्होंने ऐसा कर दिया कि सब लोग अब इकट्ठे होने लगे, सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाने लगे एक ही टेबल के ऊपर। और उसी बीच में अंबेडकर जो है उनको रेफरेंस दिया गया कि आप बड़ौदा आइए, बड़ौदा सयाजीराव से मिलिए, आपको वो सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे ऐसा स्कॉलरशिप है। तो उसी पीरियड में सयाजीराव ने स्कॉलरशिप शुरू किया था। ऐसा स्कॉलरशिप था कि जिसमें आप स्कॉलरशिप मिलता है आपको फॉरेन जाने का, पढ़ाई करने का, उसके बाद उतने साल, जैसे आप 2 साल या 3 साल वहाँ पर पढ़ाई किया, तो 3 साल आपको बड़ौदा स्टेट में वापस आए तो यहाँ पर आपको जॉब करना पड़ेगा। आपको पेमेंट मिलेगा लेकिन आपको जॉब बड़ौदा स्टेट के लिए पहले करना पड़ेगा। तो इसी उपलक्ष्य में अंबेडकर आए, उन्होंने कैलिफोर्निया कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और वो थीसिस जमा भी किया है, वो उन्होंने थीसिस जो है सयाजीराव गायकवाड़ को अर्पण किया है। तो वो थीसिस उन्होंने किया, फिर वो बड़ौदा आए। बड़ौदा में आने के बाद थोड़ा घूमे, उनको कुछ परेशानी हुआ, लेकिन उनका इच्छा यहाँ पे काम करने का नहीं था, और ये चीज़ उनको रियलाइज़ हुआ। और वो बड़ौदा के ऊपर थोड़ा बहुत उन्होंने बताया सयाजीराव कि भाई ऐसा है ऐसे, बोले ऐसा नहीं हो सकता, बोले अभी भी अगर है ऐसा तो इसका मतलब मैंने कुछ काम नहीं किया ऐसे। तो बोले आपको क्या करना है, बोले मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो 3 या 4 दिन या हफ्ता कुछ रहे यहाँ पे, अगेन वो बॉम्बे चले गए। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने प्रजा की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए काफी कार्य किए। उनकी नीतियों की वजह से वडोदरा भारत की सबसे आधुनिक रियासतों में से एक मानी जाती थी। बड़ौदा स्टेट जो था वो 4 प्रांत था, जैसे बड़ौदा एक आएगा, उसके बाद मेहसाना कड़ी प्रांत आएगा, उसके बाद अमरेली, ओखा और द्वारका, ये एक प्रांत आएगा, और नवसारी बिल्लीमोरा एक प्रांत आएगा, सोनगढ़ व्यारा नवसारी, ये पूरा एक। तो उन्होंने इस तरह के सभी जगह पे बिल्डिंग्स बनाए फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स। जैसे आप देखेंगे तो बड़ा उस टाइम का, आज का हम लोग मॉल कहेंगे, उस टाइम में मतलब एक जगह ऐसे बनाते थे, हर एक जगह में बनाई हुई उन्होंने, कि जहाँ पे हर तरह की जीवन जरूरी चीज़ें सब मिलेंगी। फिर एजुकेशन में काम किया, फिर फार्मिंग में भी काम किया कि फार्मिंग करना है तो कैसे करना है, नए नए टेक्निक से कैसे कर सकते हैं। फिर पूरा लाइब्रेरी मूवमेंट शुरू किया
पढ़ाई तो क्या, उसके बाद पढ़ेंगे क्या? तो वर्ल्ड की जितनी भी बेस्ट बुक्स हैं, जैसे साइंस से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड है और दूसरे कोई साहित्य से रिलेटेड, वो सभी का ट्रांसलेशन करवाया। तो जैसे इंग्लिश में तो मिलती ही थी, लेकिन बहुत सारे दूसरे लैंग्वेजेस में जैपनीज बुक है या फ्रेंच बुक है तो उसका इंग्लिश में, मराठी में, हिंदी में और गुजराती में, बड़ौदा स्टेट ने प्रेस भी डाला जिसमें ये चार लैंग्वेजेस में बुक्स पब्लिश किए। और ये सब बुक्स जो है सिर्फ बड़ौदा स्टेट में ही न सीमित करके उन्होंने बड़ौदा के बाहर जो इंडिया का जो प्रिंसेस स्टेट्स है वहाँ पर भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। और उन्होंने एक ऐसा पॉलिसी बनाया कि एजुकेशन में जो आप बिल्डिंग्स बनाते हैं, जैसे स्कूल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग या लाइब्रेरी बनाते, तो उसके लिए अलग से फंड रखा उन्होंने। और ये फंड का पूरा एक लिस्ट है, उसमें करीब करीब 3,500 इस तरह की जगह है इंडिया में, वहाँ पे वो फंड हर साल भेजते थे। उसमें जैसे आप शांति, जैसे दो तीन के बारे में बताओ, जैसे शांति निकेतन है, शुरुआत हुआ तो शुरुआत से ही रविंद्रनाथ टैगोर को 5,000 पर ईयरली वो भेजते थे। तो 1951 तक उन्होंने, मतलब गायकवाड़ स्टेट ने उनको पैसा भेजा है। उसी तरह से जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो मदन मोहन मालवीय जी आए थे तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे लाइब्रेरी बनाए, तो उन्होंने पैसा दिया, बाद में उन्होंने सयाजीराव के नाम से ही ये किया। तो आप देखेंगे तो अमेजिंग बिल्डिंग उन्होंने बनाया। और उन्होंने 1910 में यहाँ पे बड़ौदा में उन्होंने सेंट्रल लाइब्रेरी की शुरुआत की, और स्पेशली कोलंबिया से जो लाइब्रेरी ने उनको बुलाया यहाँ पे, और एक पूरा मूवमेंट शुरू किया। जब वो एक्सपायर्ड हुए तब बड़ौदा स्टेट में करीबन छोटी बड़ी मिला के 3,500 लाइब्रेरीज थी। जैसे आज हम लोग प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, तो सयाजीराव ने उस टाइम में किया था। उन्होंने क्या किया कि भाई खुद बनाते थे, बिजनेस बनाने के बाद फिर वो अच्छा चल रहा है, रोजगार लोगों को मिला, देन फिर वो बेच के दूसरे लोगों को निकल जाते थे ताकि वो बिजनेस चलता रहे, और उनको काफ़ी सारे टैक्स में राहत देते थे। और 1927 में यहाँ से बड़ौदा से काफ़ी सारी चीज़ें फेमस होने लगी थी, तो उसको बड़ा वर्ल्ड का बाज़ार मिले, उसके लिए बड़ौदा से थोड़ा आगे समुद्र किनारे ओखा करके एक जगह है, वो भी बड़ौदा स्टेट का ही भाग है, दीव के पास में। तो ओखा जो है वहाँ पे उन्होंने इंटरनेशनल पोर्ट शुरू किया था और वहाँ तक रेलवे लाइन डाला था, तो पूरे इंडिया से माल आके वहाँ जाता था, वहाँ से भी पूरा एक्सपोर्ट होता था। तो आप समझ सकते हैं कि एक लाइन खोलने से उन्होंने कहाँ कहाँ तक ये किया था। दूसरा, उन्होंने रेलवे लाइन, अगर आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन, लोगों को एक दूसरे से दूसरे जगह जाना में आसानी होना चाहिए, और दूसरा इकोनॉमिक भी होना चाहिए। तो उसके लिए जितना जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ की पब्लिक की संख्या कैसी है, कम है, ज़्यादा है, तो उस हिसाब से नैरो गेज लाइन, ब्रॉड गेज लाइन, मीटर गेज लाइन, इस तरह से शुरुआत किया था। उसी तरह से हाईवेज भी शुरू किया था। और उसी तरह से 1936 के बाद उन्होंने बड़ौदा में 4 इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट भी शुरू किया करवाए थे। तो जो बड़ौदा में एयरपोर्ट है, बड़ौदा एयरपोर्ट मतलब हरनी एयरपोर्ट, तो वो जो आप देख रहे हैं अभी, उसके 3 भाग हुए हैं। वो हीथ्रो एयरपोर्ट से भी बड़े, जब शुरुआत की थी तो इतने बड़े थे। तो सयाजीराव ने सोचा कि फ्यूचर में बड़ौदा में भी एयरपोर्ट होना चाहिए, और नेक्स्ट वॉर जो कभी होगा तो वो कैसा होगा, तो उसमें प्लेन्स चाहिए होंगे। तो उन्होंने डकोटा कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन करके उन्होंने ग्लाइडर्स बनाने का फैक्ट्री डाला, और 2-3 ग्लाइडर्स बनाया भी। और उस टाइम में फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, और उस टाइम में फिर ब्रिटिश लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, तो उसकी वजह से वो बंद हो गया। लेकिन वो ग्लाइडर्स इस तरह से बनाया गया कि उसको बाद में इंजन लगा के फाइटर प्लेन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसका एक सैंपल बड़ौदा में जो कला भवन, मतलब जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके एक रूम में वो ग्लाइडर आज भी रखा हुआ है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने निर्माण की हुई संस्थाओं में से एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो आज भी देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित बैंकों में से एक है। उस टाइम में पहले शुरुआत में कैसे था कि बड़ौदा में साहूकार सिस्टम बहुत था, तो साहूकार लोग थोड़ा पैसा देते थे, उस पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इस तरह का बहुत चलता था। तो इसमें काफ़ी सारे लोग परेशान होते थे, और छोटा बिजनेस करना, उसको लोन नहीं मिलता था। तो ये चीज़ उनके ध्यान में आया, तो उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में शुरू किया, और उसमें अपना एक बड़ा रिजर्व फंड दिया उन्होंने, ताकि ये जो अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि मुद्रा लोन, मुद्रा निधि, ये जो भारत सरकार चलाई वो उसी के बेस पे बना हुआ है ये कॉन्सेप्ट। जीरो मतलब इंटरेस्ट में आपको लोन मिलेगा, आपको छोटा बिजनेस शुरू करना है, जिससे रोजगार आप दूसरे 4-5 लोगों को दे और आपका बिजनेस डेवलप हो। और वही चीज़ आप साहूकार के पास से लेते तो ब्याज चुकाने में आपका ज़िंदगी चला जाता था,
तो ये चीज़ उनके ध्यान में आया, तो उन्होंने इसलिए ये बैंक ऑफ बड़ौदा शुरू की। प्रख्यात पेंटर राजा रवि वर्मा को भी सयाजीराव गायकवाड़ के प्रोत्साहन से ही लोकप्रियता मिली। उनकी कई पेंटिंग्स वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में आज भी देखी जा सकती हैं। उन्होंने सोचा कि वे भारतीय परंपरा को कैसे प्रमोट करें, तो उसी उपलक्ष्य में उन्होंने राजा रवि वर्मा है, नंदलाल बोस तो बाद में आए, लेकिन दूसरे और फेमस आर्टिस्ट जो है इंडियन आर्टिस्ट, उनके पेंटिंग खरीदना शुरू किए, उनको काम देना शुरू किया और उस तरह से उन्होंने प्रमोट किया। और उसी तरह से फॉरेन के आर्टिस्ट का भी काम प्रमोट किया, जैसे फिलीची है, तो इसका आप आज के उपलक्ष्य में देखेंगे तो वो लोग अभी मास्टर्स है, वर्ल्ड ऑफ मास्टर्स आर्ट्स। तो इस तरह के लोग इकट्ठा हुए, तो इस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया। उसके लिए फिर कॉलेजेस शुरू किया, उसके लिए फिर म्यूजियम्स बनाना शुरू किया, ताकि सब लोग तो फॉरेन जा नहीं पाएंगे या विदेश में नहीं जा या भारत में घूम नहीं पाएंगे, तो वो लोग बड़ौदा में ही बड़ौदा में तो आ सकते हैं, तो बड़ौदा में ये सब चीज़ें देखने को मिले। और सिर्फ बड़ौदा स्टेट में, मतलब बड़ौदा स्टेट के सभी चार ही प्रांत में शुरू किया, ऐसे नहीं कि सिर्फ बड़ौदा सिटी में ही ये सब चीज़ें, तो इस तरह से भी शुरू हुआ। राजनीति, समाज कल्याण, कला, क्रीड़ा, उद्योग, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने योगदान नहीं किया हो। सन 1939 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का निधन हो गया और महज 8 साल बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। आज महाराजा सयाजीराव के निधन के 80 साल बाद भी उनकी यादें वडोदरा वासियों के दिलों में जिंदा है। तो ये थी महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ की जीवन कहानी। अब हम आपसे लेते हैं विदा, और कहानियों के साथ फिर मुलाकात होगी।